सम्राट जी पुरानी संसद है जो हमारे देश की, वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई थी कई दशक से। मोदी सरकार ने उसको रात के अंधेरे में हटा दिया है। जो SC ST वर्ग के लोग हैं या बहुजन लोग हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं इस बात को लेकर। वो कह रहे हैं कि अब हम कहाँ मनाएंगे बाबा साहब की जयंती, कहाँ माल्यार्पण करेंगे। क्या सोचते हैं इस बारे में आप? देखिए, वो सरासर गलत है, वो नहीं हटानी चाहिए थी, क्योंकि वो ऐतिहासिक मूर्ति थी और वो बहुत आंदोलन के बाद में संसद में लगाई गई थी। उस आंदोलन में बहुत सारे लोग जेल गए थे, जेल भरो आंदोलन हुआ था, कुछ प्रेग्नेंट महिला भी थी जो जेल में गई थी, और यहाँ तक भी सुना जाता है कि जो प्रेग्नेंट महिला थी उनके जो बच्चा हुए थे वो जेल में ही हुए थे। तो बहुत ही ऐतिहासिक मूर्ति थी जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की थी। वहाँ पर अब 14 अप्रैल को हमेशा वहाँ पर एक मेला लगता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के नाम से, तो वहाँ लाखों लोग जाते हैं हर साल। प्रेरणा की एक स्रोत हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इसलिए इस मूर्ति को नहीं हटाना चाहिए था। इन्होंने जानबूझ कर हटाने का काम किया था। इनका प्लान था कि 2024 में अगर ये 400 पार कर देंगे तो संविधान को बदल देंगे, और मूर्ति तो इन्होंने हटानी थी, तो संविधान में बड़ा संशोधन करते। अभी 3 नए कानून आए 1 जुलाई से, IPC, CRPC, एविडेंस तीनों चेंज कर दिए इन्होंने। अब इन्होंने BNSS और BSA ये बनाए हैं। तो ये कुछ नहीं करा, कॉपी पेस्ट किया है, कट पेस्ट किया है ना, ओल्ड वाइन इन द न्यू बोटल। इन्होंने कुछ नहीं करा, ऐसे ही संविधान की समीक्षा करते। और जो प्राइड है, जो अम्बेडकरवादियों का प्राइड है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, जो प्राइड था उस प्राइड को ख़त्म कर देते और कहते कि बाबा साहब का संविधान ही नहीं रहा, संविधान तो हम लोगों ने बनाया, मोदी सरकार ने बनाया संविधान। जब ये प्राइड को ख़त्म करते हैं तो ये हमेशा से हम लोगों को शोषण करने के काम करते हैं। तो मूर्ति हटाने का काम है कि हमारे प्राइड को ख़त्म करना चाहते हैं, जहाँ से हम प्रेरणा लेते हैं, प्रेरणादायक हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उस प्रेरणा को ख़त्म करके हम लोगों को हमेशा से शोषण के लिए ये तैयार करते हैं और शोषण की तरफ डालते हैं। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था कि मैं बाबा साहब के संविधान की वजह से ही प्रधानमंत्री बनाऊँ, संसद में पहचाऊँ। वो तो बाबा साहब को बहुत ज़्यादा मानते हैं, संविधान दिवस भी मनाते हैं वो तो। देखिए, मोदी जी जो कहते हैं वो कहाँ करते हैं। मोदी जी बहुत झूठ बोलते हैं देश के अंदर, क्योंकि मोदी जी ने जितने भी वादे देश के अंदर किए हैं आज तक पूरे नहीं किए हैं। चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे 15 लाख का मामला हो, और भी मामले हों, तो मोदी जी नहीं करते हैं। 2017 में अनंत कुमार हेगड़े ने कहा था कि हम यहाँ पर हैं भारत के संविधान को ख़त्म करने के लिए, और मोदी जी चुप रहे। मगर मोदी जी जो करते हैं वो कभी नहीं कहते हैं। डिमोनेटाइजेशन कभी नहीं करा, लॉकडाउन, GST, बहुत सारे कानून, काले कानून आपने, किसानों को 3 काले कानून लगाए, वो सब जो करे मोदी जी कभी नहीं कहते हैं। मोदी जी सुनते रहे कि संविधान को चेंज करेंगे, संविधान करेंगे। और मोदी जी जब प्रधानमंत्री थे, उसी प्रधानमंत्री काल में 2024 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्हीं के लोग कहते थे कि 400 पार करा दीजिए संविधान को चेंज कर देंगे, 400 पार करा दीजिए संविधान को चेंज कर देंगे। मोदी जी की जबान नहीं निकली, मोदी जी ने नहीं कहा कि नहीं हम नहीं करेंगे। मोदी जी भी चाहते थे कि संविधान चेंज होना चाहिए, मगर देश की महान जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया, और जब सबक सिखाने का काम किया तो मोदी जी पहले दिन ही संविधान को सर पर रख लिया, माथे से लगा लिया कि ये संविधान महान है जिसकी वजह से मैं प्रधानमंत्री हूँ। तो इसलिए संविधान में जितने भी अधिकार हैं उनको सरकार को पूरा करना चाहिए। अफसोस की बात तो यह है, देश के 75 साल, आज़ादी के 75 साल के बाद भी देश आज भी संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं कराया गया। अगर इस देश में संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाए तो बात बन जाए। हम लोग अम्बेडकरवादी लोग पूरी जनता से, लोगों से, अम्बेडकरवादी लोगों से, इस देश के मानवतावादी लोगों से, समतावादी लोगों से, वैज्ञानिकवादी लोगों से, तर्कवादी लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप पूरे देश में एक आवाज़ उठाइए कि इस देश में पूर्ण रूप से संविधान लागू होना चाहिए। हम जाएंगे दिल्ली में, बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं, दिल्ली में हम यात्रा निकालने वाले हैं, पूरे देश में जाने वाले हैं, संविधान को पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी बाबा साहब की तस्वीर कंधे पर लिए घूम रहे थे, उत्तर प्रदेश में बोल रहे थे कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे, दलितों को बचाएंगे, मुसलमानों को बचाएंगे, इसलिए आप इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए। लेकिन राहुल गांधी तो संसद में शिवजी की बात कर रहे हैं, बाबा साहब की बात ही नहीं कर रहे हैं, कहाँ गए वो संविधान को बचाने वाले, अम्बेडकर को बचाने वाले इंडिया गठबंधन के नेता? ये मौके के अकॉर्डिंग अपनी राजनीति करते हैं, जैसा मौका होगा वैसी राजनीति करते हैं। तो ये मौसमी लोग हैं, जैसा मौसम देखा वैसे लोग करने लगते हैं। अभी देखा संविधान की बचाने की बात करें तो संविधान पे आ गए। अरे, इनके दादा, इनकी दादी, इनके परिवार के जब प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे ज़्यादा भारत के संविधान में अमेंडमेंट किए गए थे। इनके लोगों ने भी भारत के संविधान को कभी लागू नहीं किया, और ये
लाल किताब उठाए घूमते रहते हैं और उसको पढ़िए आप, उसमें क्या है। कभी आपने महिलाओं के लिए इस देश में, कभी आपने SC ST OBC के लिए कभी आपने लड़ाई लड़ी है क्या इस देश के अंदर? नहीं लड़ी है। और हमें नहीं चाहिए आपकी लड़ाई, आप लड़ाई लड़ो हमारी। केवल जो हमारा अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, जो संविधान में लिखा हुआ है, वो अधिकार सरकारें हमको दे दें। हमको किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, हमको किसी की दया की जरूरत नहीं है, किसी के फ्री के राशन की जरूरत नहीं है, किसी के फ्री की बिजली की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। हमें हमारा प्रतिनिधित्व चाहिए, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। देश की आज़ादी के बाद जो हमारा हिस्सा बनता है देश के अंदर, वो चाहिए। हज़ारों साल तक आपने हमको वंचित रखा, हर चीज़ से दूर रखा, एजुकेशन से दूर रखा, धन दौलत से दूर रखा, मान सम्मान से दूर रखा। अब संविधान प्रत्येक नागरिक को गारंटी देता है, प्रत्येक नागरिक को और उसके फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, सब कुछ देता है। वो हमें चाहिए क्योंकि वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। हम लेकर रहेंगे, आपकी जरूरत नहीं है। उसके लिए सरकारें बाध्य हैं, सरकारों को सब नागरिकों को सुरक्षा देनी चाहिए, सब नागरिकों को राइट टू एजुकेशन का जो प्रोविजन है वो देना चाहिए। जब ये देश अच्छा महान बन सकता है। सरकारें बेईमानी करती हैं, सरकारें आपके भले की बात तो करती हैं, आपके उद्धार की बात तो करती हैं, मगर कभी आपका उद्धार नहीं करती हैं। ये सरकारें ये झूठ बोलती हैं। लोकसभा में कोई बिल भी नहीं लाए, ना कोई उन्हें अध्यादेश लेकर आए, वो बाबा साहब की प्रतिमा रात में हटा दी उन्होंने। आखिर दिक्कत क्या है प्रतिमा से इन मनुवादी सरकारों को? देखिए, डिक्टेटरशिप जहाँ चलती है, दिस इज अ साइन ऑफ द डिक्टेटरशिप। जब आप डिक्टेटरशिप में होते हो, आपका जो नेचर है डिक्टेटरशिप वाला बन जाता है, तो आप फिर किसी से पूछते नहीं हैं, आप जनसंग्रह नहीं कराते हैं, आप जो लोगों का मत है उसको नहीं मानते हैं, आप अपनी मर्जी से चलाते हैं। जो आपके मन में आएगा वो करेंगे, जो आपके मन में आएगा बोलेंगे, जिसको जेल में डालना उसको जेल में डालेंगे। देखिए, जो ऐतिहासिक मूर्ति थी वो गवर्नमेंट के पैसे से नहीं लगी थी, वो समाज ने चंदा उगाया था। समाज ने चंदा उगाकर बड़े लंबे अरसे तक वहाँ पर आंदोलन करने के बाद में वो मूर्ति लगवाई थी। इस मूर्ति का हटाने का मतलब है कि इनकी बड़ी प्लानिंग थी 2025 में, RSS को 2025 में 100 साल पूरे हो जाएंगे, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना और इस देश के संविधान को चेंज कर देना, ये इनकी बड़ी राय थी। मगर देश की महान जनता ने इस देश को बचा लिया, इस देश को बचाने का काम किया, संविधान को बचाने का काम किया, डेमोक्रेसी को बचाने का काम किया, गरीबों के अधिकारों को बचाने का काम किया। अब लोगों को जागरूक होना चाहिए कि इनकी जो मानसिकता है वो बदली नहीं है। अभी भी ये जब भी इनको मौका मिलेगा देश के संविधान को बिल्कुल नष्ट नाबूद कर देंगे, रिव्यू कर देंगे संविधान का। और जैसे IPC CRPC एविडेंस बदला है, वैसे कभी भी ये संविधान को बदल सकते हैं। इसलिए लोगों को जागरूक रहना चाहिए, अपने बच्चों को हमेशा से तैयार रखना चाहिए और आने वाले समय में इनको किसी भी राज्य में नहीं जीतने देना चाहिए। क्योंकि अगर ये जीते, अगर ये लोग फिर दोबारा सत्ता में आए, तो आपके सारे अधिकारों को खा जाएंगे, आपके सारे अधिकारों को ये पूरे आग लगा देंगे, आपके अधिकारों को देने वाले नहीं है। लेकिन सर, बाबा साहब के संविधान की वजह से संसद में पहुंचे 131 SC ST के सांसद, इसके अलावा 4000 विधायक हैं देश की विधानसभाओं में, आखिर वो तो सामने आते हैं इस प्रतिमा को लेकर, उन्होंने कहीं विरोध ही नहीं जताया, वो चुप क्यों बैठे हैं आज? देखिए, वो क्यों विरोध जताएंगे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब पूना पैक्ट किया था तो वहीं से चमचा युग की शुरुआत हो गई थी। देखिए, जब आप किसी पार्टी में काम करते हैं और पट्टा किसी और पार्टी का होता है, तो आप अपने लोगों के अधिकारों की बात नहीं कर सकते हैं। अपने लोगों के अधिकारों की बात वही कर पाएगा जो अपने लोगों से मोहब्बत करता है। वो अपने स्वार्थ के लिए गए, अपने बच्चों के स्वार्थ के लिए गए, अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए गए, अपने ऐशोआराम में ज़िंदगी जीने के लिए गए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को धोखा देने वाले ऐसे लोग हैं जो समाज को नहीं सोच सकते हैं। इसलिए 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जाते हैं, जिस पार्टी से जाते हैं, उस पार्टी की गाइडलाइन से वो ऊपर नहीं बात कर सकते हैं, और जो बात करेगा उसको निकाल दिया जाएगा। जो बात करेगा गाइडलाइन से अलग बात करेगा उसको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है देश के अंदर। और ख़ासकर कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि जो लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं उनमें तो बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नहीं है। इसलिए हमें डेमोक्रेटिक बनना चाहिए, संविधानवादी बनना चाहिए, ईमानदार बनना चाहिए, और हमें लोगों को अधिकार देने चाहिए। जैसे हम अपने साथ व्यवहार करवाना चाहते हैं, वैसे ही हमको दूसरे लोगों से भी व्यवहार करना चाहिए, जब तो बात बन सकती है। और ये कब होगा? जब आप स्कूल में
बच्चे के माइंड में ये सारी बातें इनबिल्ड करेंगे, बच्चों के दिमाग में ये पढ़ाई के माध्यम से डालने का काम करेंगे कि देश को महान कैसे बनाना है। यहाँ तो जातिवाद पढ़ाया जाता है, घरों में कूट कूट कर जातिवाद पढ़ाया जाता है, यहाँ धर्मवाद पढ़ाया जाता है, अंधविश्वास पढ़ाया जाता है, यहाँ तो सब कुछ पढ़ाया जाता है, केवल संविधान नहीं पढ़ाया जाता, वह कि सब कुछ पढ़ाया जाता है। लेकिन लाखों संगठन बताए जाते हैं बाबा साहब के नाम पर, बहुजनों के नाम पर, कांशीराम जी के नाम पर, आखिर वो संगठन क्यों खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं? क्या दिक्कत है उनको? क्या डरते सड़क पर आने से? वो नहीं आते हैं, बहुत सारे संगठन आते हैं, संगठन नहीं आते तो फिर कैसे बात बनती? आज देश में जय भीम का नारा जो गूंज रहा है, संविधान का नारा गूंज रहा है, ये ना ये उनकी वजह से गूंज रहा है, नहीं तो जो राजनेता लोग हैं वो तो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। तो जो लोग हैं जो रियली में काम कर रहे हैं, उन लोगों ने इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए जो प्रण लिया है उस पर काम कर रहे हैं, और उसका परिणाम भी है कि 2024 की लोकसभा में ज़्यादातर लोगों ने जय भीम का नारा उद्घोष किया, ज़्यादातर संविधान की जय बोलने काम किया, संविधान को स्थापित करने काम किया। अब केवल अंबेडकर वादियों को एक लड़ाई लड़नी है कि इस देश में आज़ादी के बाद आज तक संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है, अब इस संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराएंगे, पहले अपने लोगों को पढ़ाएंगे संविधान को, फिर उनको लड़ाकू बनाएंगे संविधान के माध्यम से, और फिर अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, और जब अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे तो इस देश के तानाशाह लोगों को, इस देश के सरकार में बैठे लोगों को संविधान को पूर्ण रूप से लागू करना पड़ेगा।